पुल ढहा और सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। घटना इतनी दर्दनाक थी कि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। गुजरात के मोरबी जिले में जो पुल गिरा वो एक सस्पेंशन ब्रिज था। सवाल ये है कि आखिर कैसे गिरा ये पुल, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सस्पेंशन ब्रिज सुरक्षित है। सवाल और भी कई हैं। टेक क्लास में आज आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। हम समझेंगे कि क्या है सस्पेंशन ब्रिज, इस ब्रिज को किस तकनीक से बनाया जाता है, ये पारंपरिक पुलों से किस तरह से अलग है, और औसतन एक सस्पेंशन ब्रिज कितना बोझ सह सकता है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज आपको टेक क्लास में। सस्पेंशन ब्रिज की शुरुआत 1800 के दशक में हुई, जब 1801 में पहली बार अमेरिका में लोहे की चेन से बना पहला सस्पेंशन ब्रिज, इसे पेंसिल्वेनिया में जैकब क्रीक पर बनाया गया था। आपने नदी, नहर या उथले समुद्र के ऊपर से जाता हुआ पुल जरूर देखा होगा। ज्यादातर नदियों पर बने पुल पिलर के सहारे टिके रहते हैं। पिलर वाले पुल बनाने के लिए पानी की गति, गहराई, पानी के नीचे की मिट्टी का प्रकार, पुल पर पड़ने वाला औसत भार, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन कुछ पुल पिलर की जगह केबल यानी कि तारों के सहारे बनाए जाते हैं, ऐसे पुलों को सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। सस्पेंशन ब्रिज में कंक्रीट या लोहे के दो टावर वाटर बॉडी के दोनों किनारों पर लगाए जाते हैं, और इस ब्रिज में डेक, टावर, टेंशन वायर, फाउंडेशन और केबल अहम है। अब ये डेक क्या है? डेक पुल के आखिरी हिस्से को कहते हैं। ये जमीन या पहाड़ी में अंदर तक होते हैं और इस डेक को टावर के पहले लगाया जाता है जो पुल को आधार देता है। टावर के जरिए टेंशन दोनों किनारों को जोड़ता है। टेंशन दरअसल वो तार होते हैं जो एक टावर को दूसरे टावर से जोड़ते हैं या बांधते हैं। उसके बाद टेंशन वायरों को तारों के जरिए जोड़ा जाता है जो पुल की सड़क को टेंशन से बांधे रखते हैं, और पुल वाटर बॉडी के ऊपर झूलता रहता है। टेंशन की लंबाई को दरअसल स्पैन कहा जाता है। स्पैन जितना लंबा होगा पुल में उतना ही लचीलापन होगा। अब आइए एंकर पिन को समझते हैं। किसी भी सस्पेंशन ब्रिज को जोड़ने वाली केबल को दोनों किनारों पर बांधा जाता है। इसके लिए पुल के दोनों किनारों पर पक्के फाउंडेशन बनाकर उनमें लोहे के मजबूत हुक लगाए जाते हैं। ब्रिज की केबल इन्हीं हुक से जुड़ी होती है और जरूरत के मुताबिक इन्हें कसा या ढीला किया जा सकता है। यही हुक्स एंकर पिन कहलाते हैं। सस्पेंशन ब्रिज कितना सुरक्षित है, ये बात ब्रिज के ओवरहेड केबल की मजबूती पर निर्भर करती है, और इसके लिए सस्पेंशन ब्रिज की भार, क्षमता और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि ऐसे पुलों पर एक बार में कितने लोग चढ़ सकते हैं। दरअसल ये स्पैन की लंबाई पर निर्भर करता है। सस्पेंशन केबल को बढ़ाकर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रक्चरल डिजाइन में बदलाव करना होगा। भारत में कई वाटर बॉडीज पर सस्पेंशन ब्रिज बनाए गए हैं। पर्यटन के लिहाज से ये काफी अहम होते हैं। देश के प्रसिद्ध सस्पेंशन पुलों में कोटा हैंगिंग ब्रिज, लोहित रिवर पुल, डोबरा चांठी मोटरेबल झूला पुल, कोरोनेशन ब्रिज, लक्ष्मण झूला, बोलोंग और दार्जिलिंग ब्रिज शामिल है। सस्पेंशन ब्रिज पर्यटन और परिवहन के लिहाज से बेहतर और टिकाऊ जरिया है, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों, जंगलों और पहाड़ों में, जहां पारंपरिक पुलों की तुलना में उन्हें बनाना ज्यादा आसान है और किफायती भी। जरूरत है तो इस तकनीक के सही इस्तेमाल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाने की। तो आज टेक क्लास में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।